नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पोलैंड पहुंच गए हैं। जिस होटल में वे ठहरे हैं वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बच्चों से हाथ भी मिलाया। मोदी के स्वागत में डांडिया नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। पीएम मोदी गुरुवार को पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और फिर राष्ट्रपति ऑन्द्रेज टूडा से मुलाकात करेंगे। ये 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1980 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। भारत से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा था, मैं पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के मौके पर मेरी ये यात्रा हो रही है। पोलैंड मध्य यूरोप का हमारा आर्थिक साझेदार है। पोलैंड के बाद पीएम मोदी 23 अगस्त को ट्रेन से यूक्रेन पहुंचेंगे। इस यात्रा पर उन्होंने कहा कि वह शांति से जंग के समाधान पर राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अपने विचार साझा करने के लिए उत्सुक हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी 21-22 अगस्त तक पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद वे ट्रेन से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 70 साल भी पूरे हो रहे हैं। सबसे पहले पीएम मोदी का पोलैंड की राजधानी वारसा में स्वागत होगा। इसके बाद वे गुरुवार को प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और फिर पोलैंड के राष्ट्रपति ऑन्द्रेज सेबेस्टियन डुडा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री पोलैंड में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। पोलैंड में भारतीय समुदाय के 25,000 लोग रहते हैं। इसमें लगभग 5,000 छात्र हैं। पीएम मोदी जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं के स्मारकों का दौरा भी कर सकते हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के।